पूरी डिवाइन लोटस वे की फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्ते, साथ में देवउठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। देवउठनी एकादशी यानी कि हमारे नारायण योग निद्रा से जाग गए, यानी कि सभी देवता योग निद्रा से जाग गए, तो अब शुरू हो गया शादी ब्याह और मंगल कामों का समय। तो सभी लोग तैयार होंगे पूरी तरह से अपने अपने घर में, जो जो जिसको मंगल काम करने हैं सब लोग तैयार ही होंगे। मगर उससे भी पहले अब आएगी देव दीपावली, यानी कि देवउठनी एकादशी के बाद अब जो आ रही है वो है देव दीपावली। देव दीपावली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस को आज के दिन मारा था, तो उसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए देवताओं ने बनारस सिटी में, काशी में, बनारस में गंगा नदी के तट पर दीपदान की प्रक्रिया शुरू की थी। मतलब बहुत दीप जलाकर अपनी खुशी को सेलिब्रेट किया था। तो गंगा तट पर काशी में जो दीपदान किया जाता है वो विजय का प्रतीक है बुराई पर। तो देव दीपावली बड़ी खास होती है। और सभी लोग, जो लोग बनारस में नहीं है, वो लोग अपने घरों में 365 बाती का दिया जलाकर, दीपक जलाकर उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, उस विजय को सेलिब्रेट करते हैं। तो कैसे 365 बाती वाला दिया जलाया जाता है, कहां पर जलाते हैं, क्या विधि प्रक्रिया है, आज मैं सारी बता रही हूं आपको। पूर्णिमा सारी खास होती है, साल की पूरी पूर्णिमा, जितने भी फुलमून्स आते हैं ना, बहुत खास होते हैं, क्योंकि फुलमून्स पे हम फुलमून रिचुअल्स कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। मगर उन सारी पूर्णिमा में से भी, 12 पूर्णिमा से में से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पूर्णिमा है वो है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा बड़ी खास है, 15 नवंबर को है कार्तिक पूर्णिमा। और 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम जलाएंगे अपना 365 बाती वाला दीपक। यूं कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर साल भर 365 बाती का, क्यों? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 365 दिन में से एक भी दिन ना भगवान को नमन किया है, ना भगवान के दरबार में कभी गया, ना भगवान को याद किया, वो कहते हैं कि अगर 365 बाती का एक दिया जला देता है तो समझ लो कि जो 365 दिन उसने कुछ नहीं किया ना, वो सारा खत्म हो जाता है और वो एक दिया उसके कर्मों का खाता जो है ना वो पॉजिटिव कर देता है। तो ऐसे सभी लोग जो कुछ भी नहीं किए पूरे साल भर कोई रिचुअल्स नहीं करते जो भी, तो वो इस 365 बाती के दिया को जलाकर देवताओं को, ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने लिए कर्मों का जो खाता है उसमें कुछ अच्छा लिखवा सकते हैं। तो कैसे करें, इसकी थोड़ी सी विधि विधान होती है जो मैं आज आपको बताने जा रही। इसमें क्या करते हैं, 365 बाती, अब 365 बाती अगर आप बनाने बैठेंगे तो लगेगा बहुत समय। खास बात यह है कि 365 बाती का जो दिया है ये रुई की बाती नहीं बनाई जाती। इसको हम बनाते हैं इस तरह के धागे से, मतलब आप कॉटन का कोई भी धागा लेके उससे हम बाती बनाते हैं। 365 बाती हमको बनानी है। अब खास बात यही है कि 365 बाती बनाए कैसे, अगर आप 365 एक एक गिन के बनाना शुरू करेंगे तो सुबह से शाम आपको हो जाएगी, पर ऐसा करना ही नहीं है। बहुत अच्छा तरीका होता है 365 बाती को बनाने का। इसमें क्या क्या लगेगा, सबसे पहले तो इस तरह का कलावा, इसको कलावा बोल लो या थ्रेड बोल लो, आप जो कहना चाहें, आप ऐसा पूजा की दुकान से आपको कॉटन का मिल जाएगा, कॉटन का ही आपको लेना है तो कॉटन का आपने ले लिया। अब इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें ये जो धागे हैं ना बहुत सारे होते हैं, ये एक धागा नहीं गिना जाएगा, कितने थ्रेड इसमें हैं ये वो गिने जाएंगे। मेरे हाथ में जो कलावा है, देखिए मैंने अलग भी करके रखा था आप लोगों के लिए, देखो ये वाला जो एक कलावा है, ये थ्रेड है जो इसमें, ये जो आपको एक नजर आ रही है इसको एक नहीं गिनना है, इसमें 10 है। ये देखो एक, ये देखो एक धागा, ये देखो अलग अलग, ये 10 धागों का एक धागा है। मतलब जो आपको एक लग रहा है इसमें 10 धागे समाये हुए हैं, तो यानी ये एक बत्ती नहीं है, ये 10 बाती है। तो आपको इस तरह से काउंट करते हुए 365 बाती बनानी है। देखो ये अब कितना आसान हो गया, अब आप एक बाती ऐसी बनाते आपको कितना समय लगता, अब इतना बना लिया, इतना ले लिया आपने, मतलब 10 बाती आपकी रेडी हो गई। तो अब आपको कितने ऐसे पीसेस की जरूरत पड़ेगी, 365 को डिवाइड कर लो 10 से, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, सबसे सिंपल सी बात है, पहले तो आपने ऐसे 30 धागे ले लेने, 30 ऐसे पीसेस ले लेना है। इसको देखो
कैसे बनाने का छोटा सा इसका तरीका है, कैसे बनाते हैं इसको गिनने के लिए। मतलब 30 आपने बना लिए तो कितने हो गए, 10 धागे हैं तो 300 हो गए। अब आपको 65 और बचे तो आपने 6 और ले लिए तो 60 हो गए। अब 60 होने के बाद 5 बचेगा तो एक बाती में से इसका आधा यानी कि 5 धागे इसमें से निकाल लिए तो आपकी 365 बाती बन गई। ठीक है, ये एक बाती गिनने की भूल ना करना। किसी कलावा में 5 होंगे, किसी में 7 धागे होंगे, ये जो मेरे हाथ में कलावा है इसमें 10 धागे हैं, तो 10 धागे हैं मतलब ये मेरे पास 10 बाती हो गई। अब मैंने इस 10 बाती को ऐसे जोड़ दिया तो ये 20 बाती हो गई। तो ऐसा है, तो अब इसको बनाने की विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसको ऐसे बनाते हैं कि भाई आपने हाथ में लिया, काउंट करने का तरीका है, आप जैसे भी काउंट कर पाए। आपको कितना बनाना है, 36 और 5 की जरूरत है, तो आपने हाथ में ले लिया इसको, तो हाथ में लेने के साथ या तो आप ऐसे करके हाथ में बना लें तो ये आपके 2 हो गए। ठीक है, फिर ऐसे करके राउंड लेते जाएं, तो कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। और एक तरीका है जिससे मैं बनाती हूँ, आपको बताती हूँ कैसा करना। अब मान लो आपको इतनी बड़ी बाती, थोड़ी सी बड़ी बनाना क्योंकि बाद में कट भी करेंगे ना, इसलिए तो आपने ये एक ले लिया। आपको कितने बनाने हैं, 36, तो आपने ये एक ले लिया यानी कि 10। अब आपने इसको फोल्ड कर दिया, इस पे जोड़ दिया, कितने हो गए, 20। अब आपने यानी 2 फोल्ड हो गए आपके। अब ये 3, ऐसे आपको 36 फोल्ड करने, 3 4 5 6 ऐसे करके, 6 इसके बाद 7 ऐसे करके आप फोल्ड करते जाएं, फोल्ड करते जाएं, 36 आपने फोल्ड कर लिए। उसके बाद 5 धागे और, मतलब 365 आपको टोटल कर लेना है जिस भी तरह से करें। तो ये देखो मैंने फोल्ड करके ये इस तरह से कुछ बाती आपकी बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से मोटी सी बाती बनेगी, अभी मैंने कट नहीं की है, सिंपल बनाकर रखा है। तो इसको आपने और ऐसे कर दिया, ये है 365 बाती यानी कि 36 फोल्ड और 5 धागे और, तो 365 बाती है इसमें। अब ये है 365 बाती जलाने के लिए। आप क्या करेंगे, अब जैसे ये वाला कॉर्नर अभी ऐसे फोल्ड कर करके हमने बनाया, ऊपर से हम इसको कट कर देंगे ताकि ये नोक सारी ऐसे खुल जाए। इधर से भी हमने कट कर लेना है, इस साइड से भी हमने कट कर लेना है, इसीलिए मैंने कहा था लंबी बनाना है ना। अभी ये बाती आपको काफी लंबी लग रही होगी ना, तो ये इसीलिए हम लंबी बनाते हैं ताकि जब हम कट करके इसको बराबर करेंगे ना तो फिर छोटी हो जाएगी आपकी बाती। तो ऐसे करके तो आपने बाती तैयार कर ली। अब देखो इसको तैयार करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो ये तो आपकी हो गई तैयार बाती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जलाएंगे किसमें इस बाती को, ऐसे नारियल में। ये सूखा नारियल है, ड्राई कोकोनट सूखा नारियल है, इसमें हम इस बाती को जलाएंगे। अगर ये नारियल ना हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरा वीडियो बहुत लेट देखेंगे, तो अगर ये नारियल ना हो आप घर में सादा आटा लेके उसका गोला बना के दिया बना ले, उसमें जला सकते हैं। आप मिट्टी के बड़े दीपक में भी इसको जला सकते हैं। ठीक है, तो कैसा भी, अगर नारियल नहीं है तो मिट्टी के दिए में जला लें, नहीं तो आटे में तो सभी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस 365 बाती तैयार आपको कर लेनी है। अब क्या करना है, इसमें मैंने भरा नहीं है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने इसमें भरा नहीं है। आप इसमें तिल का तेल भरेंगे, घी का जला दे या तिल के तेल का जला दे, सरसों के तेल का नहीं जलाते, तिल का तेल आप ले लीजिएगा। अब आपने ले लिया तिल का तेल, तिल के तेल में आपने डाल दी अपनी बाती। मेरी थोड़ी सी अभी लंबी आ रही है क्योंकि मैंने कट नहीं की है अभी, इसलिए। ठीक है, तो आप ऐसे करके आपकी बाती आएगी, इस तरह से आपकी बाती आएगी। मेरा ये थोड़ा कम खोला है और आप काट के इसको ऐसा दिए जैसा शेप बना लेंगे, इसको और थोड़ा सा काटेंगे तो दीपक बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि सबसे पहले तो अपना 365 बाती वाला जो दीपक होता है उसको जमीन पे नहीं रखना है। तो आप कहां पर रखेंगे, सफेद तिल के ऊपर। ये मैंने लिए हैं, सफेद तिल है, तो सफेद तिल आपने किसी भी प्लेट में या कहीं पर भी आपने नीचे आसन बना दिया, उसके ऊपर आप इसको रखेंगे अपना ये वाला 365 बाती का दीपक, आपने ऐसा रख दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज और है, क्या करेंगे, पूजन जरूरी है। केवल ऐसे ही दिया नहीं जला देते, ये साथ में है, इसमें रोली, आप रोली से लेके अपने दिए का, अपने दीपक का पूजन जरूर करेंगे। ईश्वर का नाम लेते हुए अपने दीपक का ऐसे करके देखिए, इस तरह से आप पूजन करके ऐसे बिंदी लगा देंगे, ऐसे पूजन करेंगे अपने दीपक का, भगवान का अपने नाम लेंगे और उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा तिल डाल देंगे आप। ठीक
ठीक है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, बाती को अच्छे से तेल में डुबो लेंगे ताकि जलने लगे। अभी मोटी मोटी बाती है तो आपको लगेगा जलेगी नहीं। फिर हम इस पे क्या करते हैं, कपूर, थोड़ा सा हम कैम्फर भी यूज करते हैं, कपूर का ना चूरा बना लेना है। चूरा बना के आप इस पे ऐसे 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 अच्छे, जब तेल लग जाएगा ना तो आप कपूर को ऐसे चिपका देंगे ना तो तेजी से जलेगा। मैं जला नहीं रही हूं क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप रखा है और सारी चीजें रखी हुई हैं इसलिए, ठीक है। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस यही है, दिए का भी यही प्रोसेस रहेगा। आप थोड़ा सा और मुंह इसका खोल के इसको दीपक जैसा बना लेना, थोड़ा सा कम कटा है आप और काट लेना, मिट्टी का बना लेना कैसा भी। और अब आपने इसको अपना बाती को प्रज्वलित कर लिया, पूजन करने के बाद कैम्फर लगा के इसको जला लेना है। जलाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहां पर रखें, तो दो तीन जगह पे आप इसको रख सकते हैं। जो लोग गंगा नदी के तट पर रहते हो या कोई नदी के तट पे, गंगा नदी के अलावा भी कोई नदी के तट पे आसपास कोई हो तो नदी के तट पे जाकर भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये दीपदान है, ईश्वर के लिए दीपदान है। हमने पूरे साल भर कुछ नहीं किया तो हम एक दीपदान करके ईश्वर को प्रणाम करते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं ताकि हमारा भी जो अकाउंट है ना उसमें कुछ अच्छी चीजें नोट हो जाए। तो आप नदी के तट पे कर सकते हैं, अगर नदी आसपास नहीं है अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, ठीक है। अपने घर के मंदिर में इसको जलाकर ऐसे तिल के ढेर पे यू करके आपको ऐसे अपना दीपक जला के ऐसे रख देना है। थोड़ा सा जलाने में जरूर दिक्कत आएगी, बाती ज्यादा है ना तो दिक्कत थोड़ी सी आती है, लेकिन आपको कैम्फर जब लगा देंगे ना, तेल लगा हुआ होगा तो इजिली ये जल जाती है। तो आपने ये कर लिया। इसके अलावा आप किसी शिव मंदिर में जाकर भी अपना 365 बाती का दीपक जला सकते हैं, शिवालय में कहीं भी जाकर जला सकते हैं। पीपल पे सभी देवी देवताओं का वास होता है, कुछ भी ना हो तो पीपल के नीचे भी जला सकते हैं। तो ये सभी जगह पर आप ये दिया जला सकते हैं। इस दीपक को हम एकादशी से लेकर देव दीपावली तक कभी भी जला सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग कुछ लोग एकादशी पे जलाते हैं, कुछ लोग देव दीपावली पे जलाते हैं, तो जो लोग एकादशी पे न जलाए हो तो 365 बाती का दिया जलाकर इस बार देव दीपावली पे जरूर रखें। बहुत अच्छा ये रिचुअल होता है। तो पूर्णिमा पे तो बड़े सारे रिचुअल्स करते ही चले आते हैं अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, लेकिन इस बार ये अलग सा रिचुअल करिए और ईश्वर के साथ जुड़ जाइए, ईश्वर की खुशियों में जुड़ जाइए। आप देखिए आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। तो साथियों, मैं हूं शालिनी वर्मा, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। प्यार भरा नमस्ते।